गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दिल्ली। यस, छोटी सी सबसे पहले उस ऊपर वाले परमात्मा का शुक्रिया कहना चाहूँगा एक बार उनके लिए जोरदार क्लैपिंग, और मेरे माँ बाप का, मेरे मेंटर्स का एक बार सोना मैम और अखिलेश सर के लिए जोरदार तालियों। दोस्तों, बहुत शॉर्ट मैसेज है, मैम ने 2 मिनट का टाइम दिया है। मेरी जर्नी बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं आपकी सफलता का राज क्या है, तो मैं हमेशा बोलता हूं दोस्त, सफलता ऐसे नहीं मिलेगी, सफलता मिलेगी कड़ी मेहनत करने से, सफलता मिलेगी फोकस करने से, सफलता तभी आपको मिलेगी जब आप जुनून और पागलपन के साथ लगे रहेंगे। जीरो से सफर अपने आप को शुरू करा, एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, एमपी के पास एक गांव है गंजबासोदा। दिल्ली आए थे सपने पूरे करने, मैं बहुत बड़े खानदान से नहीं हूं, बहुत अमीर खानदान से नहीं हूं, मेरे पिताजी मैकेनिक थे और 5-10 हजार रुपए में हमारे घर का गुजारा होता था। लेकिन जब शहर में कहीं जाता था, कोई भोपाल जैसी बड़ी बड़ी जगहों पे जाता था, तो बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखता था, तो कहीं लगता था दोस्त कि मुझे भी अपना घर, अपना गाड़ी लेना है। वो घर, वो गाड़ी बाप की कमाई की ना हो, अपनी कमाई की होनी चाहिए, क्योंकि बाप की कमाई के तो बहुत सारे लोग रह रहे हैं, दम है अपनी कमाई का होना चाहिए। यस या नो? यस या नो? तो दोस्त दिल्ली आया 2012 के अंदर, ग्रेजुएशन की भी बीटेक किया, और दिल्ली आया 2012 के अंदर और नौकरी लगी 10 हजार रुपए की। एक ऐसे घर में मैं रहता था, 2 हजार रुपए उसका रेंट जाता था दोस्त, एक बाथरूम था, उसको कम से कम 10-12 परिवार यूज करते थे। बहुत ज्यादा गरीब, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी घर के अंदर, बहुत ज्यादा पैसों की तंगी थी, और 10 हजार रुपए में कैसे घर चलेगा आप बताइए? यस या नो? क्योंकि नौकरी लगी 10 हजार रुपए की और खर्चे थे 7-8 हजार रुपए के, मैं अपने घर पे भी पैसा नहीं दे पाता था। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, धीरे धीरे टाइम बीतता गया और मेरी शादी हो गई, और उसके बाद जब बच्चा हुआ तो जिम्मेदारियां और बढ़ गई, और जब इंसान की जिम्मेदारियां बढ़ती है कुछ ना कुछ आप काम ढूंढते हैं, और अगर आपके ना काम में ईमानदारी है, अगर आप शिद्दत के साथ किसी चीज को ढूंढोगे, पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है दोस्त। 2016 के अंदर मेरी इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एंट्री हुई। 2016 वो दिन था जब मैं इस बिजनेस में आया, पहली बार मुझे मेरे दोस्त ने मुझे बताया और मैंने उसको ज्वाइन किया। उसके बाद सफर और शुरू हुआ, पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, 3-3 दिन तक भूखा रहता था दोस्त, लोग अपलाइन के पीछे पड़े रहते हैं कि पैसा दे दो, 1 रुपए भी किसी से नहीं मांगा है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, ये कहावत मुझे याद थी दोस्त। अगर आपकी, आपके अंदर वो चीज है ना, तो भगवान भी उतर के आपकी मदद करता है। आपके अंदर ईमानदारी है ना, आपके नियत साफ है ना, तो ऊपर वाले को आपके साथ खुद उतरना पड़ेगा। मेहनत में ईमानदारी थी दोस्त। लोग बोलते हैं पैसा पैसा पैसा, 1 मिनट, लोग बोलते हैं पैसा 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 क्या लगा रखा है आदित्य जी, मैं बोलता हूं दोस्त, जिस दिन तुम बीमार पड़ोगे ना, तुम्हारे परिवार में कोई बीमार होगा ना, जब डॉक्टर 15-20 लाख रुपए का बिल बनाएगा, उस दिन समझ में आएगा पैसा क्या होता है। दोस्त, पैसे से ही जूते आते हैं, पैसे से ही खाना आता है, पैसे से ही बच्चे की फीस जाती है। और ओके लाइफ केयर का धन्यवाद देना चाहूंगा, पहले महीने की इनकम 350 थी, 350 रुपए आया, लेकिन लगा रहा, छोड़ा नहीं। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि रोज आते हैं, रोज लोग छोड़ के जाते हैं, डेथ रेशो बहुत ज्यादा है। आग थी अंदर, भूख थी कि कुछ करना है, नौकरी के साथ साथ शुरू करा, और 4th महीने की इनकम 1 लाख रुपए हो गई थी दोस्त। रुका नहीं, बढ़ता गया, लॉकडाउन लगा, जूम ऑनलाइन मीटिंग करना शुरू की, बहुत सारे लोग मुझे ऑनलाइन जूम पे देखा होगा या सुना होगा,
छठवें महीने का चेक सीधे सीधे 2.5 लाख हुआ, फिर 3.5 लाख हुआ, फिर 5.5 लाख हुआ, 10वें महीने की इनकम 6,58,570 रुपये हो गई थी। मैं कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं था, मेरा कोई नाम नहीं था, मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, कोई मुझे नहीं जानता था, लेकिन जब 6.5 लाख रुपये आए ना तो सब जानने लग गए। आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपका फोकस, क्योंकि आजकल बहुत सारे बाबाओं का फोकस गलत जगह लगा हुआ है, नेगेटिविटी में, हाँ या ना। जिंदगी में अगर बड़ा करना है ना दोस्त, पॉजिटिव रहना पड़ेगा आपको। और बुरी से बुरी परिस्थितियों में अगर जो इंसान पॉजिटिव होता है वही असली लीडर होता है। यस या नो? तो मैम का हाथ आ चुका है, तो सभी लोगों का एक बार दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगा। अगली बारी दोस्त आपकी है, आपको भी यहां पे आना है। और मैं कह सकता हूं, जब मैं कर सकता हूं तो यहां पे हर एक इंसान कर सकता है। बस आग होनी चाहिए दोस्त, आग होनी चाहिए, आग होनी चाहिए, आग होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।